A person standing on the top of a cliff 30 meter high has to throw a packet to his friend standing on the ground 40 meter away. Okay, so यहाँ पे अपने पास एक टावर है और टावर से जो है 40 मीटर बॉटम में हॉरिजॉन्टली 40 मीटर डिस्टेंस में उसके एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे उसका फ्रेंड है और यहाँ पे वो पर्सन है, ठीक. और इसने जो पार्टिकल थ्रो किया किसकी तरफ, यहां से एक पार्टिकल थ्रो किया किसकी तरफ, एम करते हुए डायरेक्ट टुवर्ड्स हिज फ्रेंड, ठीक है. तो अब जो है ये पार्टिकल एग्जैक्टली इस पाथ पे तो जाएगा नहीं, राइट. एग्जैक्टली इस पाथ पे तो पार्टिकल जाएगा नहीं, तो इसकी वेलोसिटी जरूर इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी तरफ है, जो कि दे रखी है 125/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक. और ये अपना हॉरिजॉन्टल हो गया और ये जो एंगल दे रखा है, एंगल का तो कुछ बोला नहीं बट क्लिफ की हाइट जरूर दे रखी है, 30 मीटर हाइट हो गई है, ये हो गई नीचे 40 मीटर, ठीक. अब ये पैकेट जाके जो है कुछ इस तरह से जाएगा और ऐसे मुड़ के कहीं गिरेगा ऐसे. तो 40 मीटर कौन सी डिस्टेंस है, 40 मीटर तो ये है पूरी डिस्टेंस, ठीक है. और क्या पूछा है, If he throws the packet aiming at the friend with a speed 120/3, ठीक है, packet falls at a distance 20/alpha meter from the friend, ठीक है. तो friend से distance दे रखी, ये distance हमें क्या करनी है, find करनी है. तो इसके पहले ये distance find कर ले, इधर वाली ये distance, ये तो इसकी range हो जाएगी. तो ये वाला आंसर कितना हो जाएगा, 40 माइनस आर अपना आंसर हो जाएगा. और रेंज हम कैसे निकालेंगे, रेंज का फॉर्मूला होता है ux इनटू टाइम. तो ux निकालना और टाइम, ux इजीली बता सकते हैं, ये एंगल कितना होगा, यहां से देखें तो ये 30 है, ये 40 है, 3-4 है, तो ये 37 डिग्री हो जाएगा. इधर का एंगल ये 37 है, तो ये भी 37. यहां से हम इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, ठीक है. कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये कंपोनेंट नीचे होगा, इधर हो जाएगा कितना 125/3 cos 37. इसको अपन कैलकुलेट करें तो 100/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट. और इधर आएगा 125/3 sin 37, ये होता है 3/5, तो आंसर आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 25, ठीक है. तो ux तो ये हो जाएगा, ये ux ये हो जाएगा, uy ये हो जाएगा. अब हमें निकालना है टाइम, पहले टाइम निकाल लेते हैं. तो टाइम के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है. और एस वाई कितना है, एस वाई हो गया नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है. तो ये हो जाएगा एस वाई, हो जाएगा कितना -30, यहां से लेकर यहां तक आया तो वर्टिकली 30 नीचे आया, 25 ये हो जाएगा -25, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो गई. और टाइम टी हो गया, एक्सेलरेशन कितनी होगी -g होगी टी स्क्वायर. तो यहां से हम देखेंगे कि टाइम की कैलकुलेशन करके कि 1 सेकंड आना चाहिए, ठीक है. और यूएक्स अपना है ही, कितना है यूएक्स, कितना है 100/3, तो रेंज जो है अपनी कितनी आ जाएगी 100/3 × 1, ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस पूछी है उसके फ्रेंड से कितनी, 40 माइनस आर हो जाएगी, राइट. ये जो डिस्टेंस है ये वाली 40 माइनस आर, ठीक है. 40 माइनस 100/3, 120 बाई 3, ठीक है. तो ये अपना आंसर हो गया. तो यहां पे हमने रिजल्ट दे रखा है 20/α दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.